राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल जी। हेलो जेंटलमैन। सो जेंटलमैन, क्या हाल है आपके? सो जेंटलमैन, आज हमारे पास जो है शार्प का वीसीआर आया हुआ है, और जेंटलमैन ये कॉम्पैक्ट साइज में है, बहुत ही जबरदस्त। अरे यार, वीसीआर को देख के तो वो जमाने याद आ जाते हैं। क्या वो खूबसूरत गोल्डन दिन थे, छः छः दस दस जने, बीस बीस जने महफिलों में ऐसे सज के बैठते थे घरों में। घर की महफिल लगती थी वीसीआर के लिए, और ये किराए पे आते थे। बहुत समय बाद मेरे पास आया है, और आज एक याद जो है ताज़ा हो गई है। सो चलिए जेंटलमैन, बातें भी करेंगे, बीच बीच में आपको मैं दिखाता भी रहूँगा। सो यहाँ से ऑफ है, यहाँ पे ऑन ऑफ दोनों है। अभी जो है ऑफ हो गया है, ये देखिए ऑपरेट, इसको दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन सिग्नल आ गया है, और ये हमारी कैसेट जो है बाहर आ गई है। और जेंटलमैन, बड़ा ही स्मूथ वर्किंग है, जापान का बना हुआ है ये शार्प जापान S60। जेंटलमैन देखिए टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई। पहले ब्लैक एंड वाइट थे, फिर NTSC, फिर मैस कैम, फिर पल में आई टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। और आज देखिए HD और 4K, 5K, पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन उस टाइम ये टेक्नोलॉजी चल रही थी। सो ये देखिए इसका जो है सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी, माय गॉड, ये बड़ी अच्छी सैटेलाइट की जो ये लिखी हुई लाइनें हैं बहुत ही महत्व रखती हैं, क्योंकि ये अच्छा वीसीआर है जो रिकॉर्डिंग के लिए बना है, ठीक है जी। और बहुत ही वन टच रेंटल रिवाइंड एंड मेमोरी, NTSC भी प्ले करेगा जी, पल भी, ठीक है जी। और अंग्रेज़ इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज 110-240 वॉट, ठीक है जी। HQ हाई क्वालिटी, HQ का मतलब हाई क्वालिटी जो है पिक्चर ये शो करता है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। जो सीनियर हैं VCR को, जो बहुत लीजेंडरी सीनियर हैं, वो VCR को अपने रैक में रखना पसंद करते हैं। उनके पास कोई भी कंपनी का रैक हो, लेकिन एक VCR ज़रूर उसमें रखते हैं, ताकि उनका रैक जो है, क्योंकि रैक VCR के बिना अनकम्प्लीट होता है। सो जेंटलमैन, चलिए बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा भी। सो चलिए, ये कैसेट है, ये देखिए इस तरह कैसेटें आती थी, क्या कैसेटें भी हम रेंट पे लेके आते थे। वाह यार, क्या ज़माने थे। देखिए JVC की कैसेट है, और ये भी जनाब जैपनीज़ है। सो पुरानी कैसेट है, VCR के साथ ही बीच में निकली थी, मुझे नहीं पता अब क्या होगा। सो चलिए अंदर चली गई है। सो प्ले का बटन दबाते हैं। सो मैंने दबा दिया है। Norway, Argentina match. लो जी। Saudi Arabia at a glance is the information program at 10 past 10 in the American आवाज करते comedy हैं। series Sledgehammer is at 20 past 10. American TV in fact continues with the comedy Silver Spoons at 11:15. Wow. At 10 past 11 you can catch up with the latest in the Youth World Cup, which is followed by Violence in Style at 11:45 in Forward. Miami Vice. तो ये फॉरवर्ड हो रहा है, बड़ा ही खूबसूरती से फॉरवर्ड हो रहा है। ये नंबरिंग चल रही है अभी, कोई सऊदी अरेबिया की कोई डॉक्यूमेंट्री है, प्ले करते हैं। Eyes away from the nest. In all corners of the globe, though the destination of the fledgling may be different, the scene and the motivation is the same. बड़ा ही क्लियर चलता है, ये देखिए रिवर्स करते हैं, रिवाइंड। सो रिवाइंड होने लग गया है। सो ये देखिए, वाह जी वाह। सो प्ले करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, क्या वो समय थे, क्या वो जमाने थे यार। अरे यार, मेरे सीनियर्स को देख के
इस चीज को बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं ऐसी चीजें लेके आता हूँ। सो ये पाउस हो गई है, ये देखिए, नहीं पाउस है कि क्या है, प्ले एक्स टू। ओके, यहाँ पे शायद ये स्लो हो जाती है या फिर इसका साउंड ऑफ होता है, नहीं, हाँ ये थोड़ा सा हल्का सा तेज फॉरवर्ड करता है जब प्ले को दबाएं। दोबारा प्ले एक्स टू की स्पीड से ये फॉरवर्ड हो रही है, ये देखिए। सो इसको प्ले को दबाएंगे, साउंड आ जाएगा, बेहतरीन वर्किंग है, जैपनीज टेक्नोलॉजी है, वाओ। स्टॉप करते हैं जेंटलमैन। वीसीआर हम किराए पे लेके आते थे, मुझे अपना बचपन याद है। मैं लोड़ी मांग के मेरे पास, हमारे पास टोटल लोड़ी जब होती थी, लोड़ी मांगने जाते थे हम, टोटल 120 रुपए हुए थे हम दोनों के उस टाइम में, 2001 की बात है। तो 2001 में मैं 60 रुपए मेरे हिस्से आए थे, तो मैं उस टाइम पे जो था 100 रुपए का वीसीआर रेंट पे आता था हमारे यहाँ पे। तो जेंटलमैन, मैं किसी तरह 40 रुपए और अरेंज करके वीसीआर लेके आया था किराए पे, क्योंकि मुझे बहुत शौक था वीसीआर का। सो जेंटलमैन, आज भी शौक है और आप सभी के रूबरू करवा रहा हूँ ये चीज़ें, हमने सहज के रखी हैं मेरे सीनियर्स की यादें, वो लम्हे, वो वादे, वो प्यार के नगमे आज भी सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। जगजीत सिंह हो गए, लता जी हो गए, किशोर दा, बहुत ही लेजेंडरी वो दौर था और बहुत ही खूबसूरत पल थे जब सभी में प्यार था, मिलके बैठते थे और ऐसी चीज़ों की कदरें कीमतें बहुत होती थी। कोई दुबई से, कोई सऊदी से और कहां कहां से लोग लेके आते थे ऐसी चीज़ें, वो मनमोहक नज़ारा था। बचपन के दिन याद आते हैं, अलिफ लेला, शक्तिमान, रामायण और जेंटलमैन महाभारत जैसे एपिसोड हम देखते थे। कहते हैं ट्रेनों का समय चेंज हो जाता था जब रामायण का समय होता था, तो ट्रेनें जो थी रुक जाती थी, क्योंकि किसी ने अपने नौकरी पेशे या कहीं भी जाना होता तो वो रामायण देख के जाते थे। वो क्या दौर था, बहुत ही प्रेम भाव थे और इन चीज़ों में प्रेम बसा हुआ है आज भी, क्योंकि ये उस दौर की चीज़ें हैं, जैसे मेरे सीनियर्स के दिलों में प्रेम भाव बसा हुआ है। वही बात हो गई कि आज के जो बच्चे हैं और पहले वाले बच्चों में बहुत अंतर है। पहले वाले बच्चे अपने माता पिता को नमस्कार करके आशीर्वाद लेके स्कूल जाते थे, और आज के बच्चों में बहुत डिफरेंस आ गया है। पहले वाले बच्चे बहुत लायक थे, बहुत तगड़े थे हर काम के लिए। सो जेंटलमैन, उसी तरह ये चीज़ें बहुत तगड़ी हैं हर काम के लिए, लेकिन ये चलती रहे, ये हमारे क्या बोलते हैं, यादें हैं संभाल के रखी हुई। ओके, सो जेंटलमैन, बातों के साथ थोड़ा थोड़ा मैं दिखाता भी रहूँगा। सो जेंटलमैन, इसमें इतनी कैसेटें चल सकती हैं इस तरह की, NTSC मैस कैम की, कलर मोड, ठीक है जी, पल और ऑटो, ये सारी चल सकती हैं। इजेक्ट है, प्ले है, आगे आते हैं, रिवाइंड, फॉरवर्ड, एस पिक्चर, पाउस, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन दिया गया है। सो चलिए प्ले, सॉरी, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड, FF का मतलब होता है, तो मैंने ये दबा दिया। अभी साउंड सुनना, साउंड सुनना, फास्ट फॉरवर्ड होएगी। हा, जैसे कोई कार की रैली निकलनी हो, ऐसे आवाज आती है। देखिए फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है जी, और चलिए स्टॉप करते हैं, स्टॉप प्ले, सो आ जाएगी फोटो। Are these all right? I can make porridge for him. Stop. अभी फास्ट रिवाइंड भी करना है जनाब, सो रिवाइंड करते हैं। बेहतरीन वर्किंग है, ये प्यारा सा कॉम्पैक्ट साइज है, जापान का बना हुआ, ये देखिए रिवाइंड हो रहा है। आ रही होगी आवाज़ आपको,
लीजेंडरी लीजेंडरी चीज़ है। सो स्टॉप करते हैं और जेंटलमैन प्ले करते हैं। सो प्ले सो स्टॉप। सो देखिए पीछे लिखा होता है चीज़ों के जापान, लेकिन इसके आगे इसलिए लिखा है क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़। सो जेंटलमैन इसकी बैक साइड पे नज़र मार लेते हैं। सो सबसे पहले तो ये देखिए RF आउट है, ये एंटीना इन है, एंटीना इन RF आउट, ऐसे भी आप रिकॉर्डिंग करते थे। एंटीना यहाँ पे लगा के यहाँ से आउट निकाल के टीवी में लगाना, क्या ज़बरदस्त। जो भी दूरदर्शन जो भी चैनल पकड़ता था वो आप अपने कैसेट में रिकॉर्ड कर सकते थे। ये देखिए चैनल लिखा हुआ है यहाँ पे, और नीचे जो है सिस्टम BG लिखा है, DK लिखा है, तो ये पता नहीं क्या है, मोड है NTSC मोड, ठीक है जी। और यहाँ पे आए तो आपको वीडियो आउट और वीडियो इन मिल जाएगी, ठीक है जी, रिकॉर्ड कर सकते हैं बेहतरीन। और ये जो है आपका स्टिकर लगा हुआ है वीडियो कैसेट प्लेयर शार्प, और सारा कुछ इसका लिखा हुआ है, ठीक है जी। 13 वॉट WAT वॉट। सो ये है इसकी बैक साइड, और जेंटलमैन दिखा ही दिया है मैंने आपको सारा। आप इसको रैक में सजा सकते हैं, आप इसको अपने घर में रख सकते हैं, अपने फादर साहब की पापा की, या फिर अपनी जो है आप अपनी शादी की वीडियो देख सकते हैं। उस टाइम कैमरामैन का बहुत अच्छा रोल था, कैमरामैन लेट हो जाता था तो सारी शादी खड़ी रहती थी। और जेंटलमैन देखिए गाने बड़े लगते थे, मुझे याद तो नहीं है, थोड़े थोड़े गाने याद है, कैमरामैन एडिटिंग करके गाने लगाता था। जैसे बारात पहुंचती थी तो गाना लगता था साजन जी घर आए साजन जी, सो ऐसे करके गाने लगते थे। बहुत ही अच्छा मोमेंट था, मिलनी होती थी वो शादी हुआ, अरे यार क्या बोलते हैं, वो बातें करके मज़ा आ जाता है। सो जेंटलमैन चलिए बातों के साथ आपको ये दिखा भी दिया। सो जेंटलमैन प्राइस जान लेते हैं, ये आपको 6000 का मिल जाएगा, 6000 का ये आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। आप हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, फिट रहिए, यही दुआ है मेरी। और आप जुड़े रहिए YouTube के साथ, एंटीक शॉप इंडिया के साथ। सो थैंक यू वेरी मच जी।